भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए, इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों? ईवीएम। चुनाव हारना हारना तय है तो क्यों? तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए उसके लिए जितनी कोशिश होती है की, इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है, ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगेंगे, ये अहंकार में सातवें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।